कांग्रेस पार्टी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल आज सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। वहीं उनकी सचखंड श्री हरिमंदर साहब के चारों तरफ परिक्रमा की, परमात्मा का शुक्राना भी अदा किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र कौर भट्टल ने कहा कि 2017 में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए कहा कि इनका कोई वजूद नहीं है। राजेंद्र कौर के मुताबिक दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी में सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल का ना जाने के पीछे लोगों का गुरु ग्रंथ साहब के प्रति रोष है। उन्होंने कहा कि अगर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में के रोष में ना होते तो वह दिल्ली जरूर जाते। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अकाली दल के कुछ ही दिन अब पंजाब में बचे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वैसे ही पार्टी में पहुंच चुके हैं, उनके पिता भी कांग्रेसी थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अकाली दल और भाजपा देख लिया। बहुत वधिया तरीके ने कांग्रेस पार्टी सरकार बन रही है, कोई दूजी राय नहीं है। सो एवं दूसरे दा आपदा होर दा शोरगुर ज्यादा है, लेकिन अच्छी वधिया एब्सोल्यूट मेजोरिटी ने सरकार बन रही है। लेकिन जी जी अज जिमें नवजोत जे अनिल जोशी जी ने वो सारे फ्लैग के नोमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगाया, क्या लगता कि ये हारे हुए हैं ता करके जाती बार तो जिम्मे कहें है, देख लो जो कुछ होंगे है उस तरह लगे हुए हैं। जी अकाली दल दावा करता कि असी आ रहे हैं, आप कहती है असं आ रहे, क्या कांग्रेस आ सकती है? देखो सारिया सिचुएशन जी होंदिया आप की असी की कहने की कहें वक्त सैपरेट चीज़ हैगी है, लेकिन लोगों की फीलिंग की कहें, हालात की कहें, सर्वे की कहें ने सारे थावान तो ना कोई गल गलत हो सकती, इसलिए वो सिचुएशन है दूजे कह रहे हैं, अपने आप में तो जो आप जो मर्जी कही जाओ। इसलिए अकाली दल दिया गुड़मिया चढ़मिया सीटा होनी है, वो बहुत थले है। तो सुखबीर जी कह रहे हैं कि दिल्ली के जी है DMC जी चोणा हुई जितन तो ये जोड़े लोग ने जो पंजाब के बेअदबी का मामले है वो लोग भुले हुए हैं, कोई इस तरह की गल नहीं पंजाब का जो रिजल्ट जी ये गल होंगी तो दिल्ली इलेक्शनों के सुखबीर या बादल साहब लोग बुला, यही कारण सी कि इन्हों तो इन्ना इन्हों की विरोधता से इतने उन्होंने भी इन्हों कि परे रहो दूर रहो, शायद इस करके जित गए कि इन्हों तो दूर रहे हैं। एक अमेरिका दे फिर एक सिख नूं जी गोली मारी गई है, सिखां नूं ये जी कम्यूनल गल्लां हैं बड़ियां अफसोसनाक है, मंदभागियां नहीं होनी चाहिए। सानू साडे गुरुआं धर्मां कोई भी होवे, हर गुरु धर्म ने सानू जिहड़ी हैगी इंसानियत की गल की है, सरबत दे भले की गल की है, माड़ी गल है। कांग्रेस वालों मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन? हेलो ऑलरेडी लाइन कर चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। बीबी रजिंद्र कौर का की? नहीं मेरा मैं चीफ मिनिस्टर जी रजिस्टर नहीं हाँ, चीफ मिनिस्टर रजिस्टर मैं हाँ नहीं, क्योंकि साड़ी पार्टी ने मैं डिसिप्लिन सोल्जर हाँ, ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ कैप्टन साहब ने। लास्ट क्वेश्चन, सिद्धू साहब जी लोगों का जो कांग्रेस अकाली दल के नेता ने वो एलिगेशन लगा रहे, सिर्फ 8 दिन 10 दिन 15 दिन का शो सेगा पंजाब के, हूँ वो वापस चले गए हैं, तुम उन्होंने किस तरह जवाब? नवजोत सिंह अच्छा वो तो कमेंट करने साड़ी पार्टी आ गए हैं, नौजवान लड़का है, कई बार यह जी गल हो जाए, लेकिन बेसिकली जो पेरेंट्स ने ठीक डिसीजन लिया, वो पेरेंट्स जी बैकग्राउंड से कांग्रेसी से कांग्रेसी रहे थे, तो उन्हें सारिया दूजिया पार्टियां अकाली दल तो BJP देखी है ठीक टिकाने पर आया है। नहीं क्वेश्चन रीड नहीं किया जी, मैं कह रही कि अकाली दल एलीगेशन लगा रही कि 8 दिन शो देते मैं यही कहनी हाँ ना भी तो अकाली दल हूँ जो मर्जी कही भी जाए, लेकिन असली थान पर टिकाने पर आके बैठे ने वो, इन्हों सब देख के रिजैक्ट करके इन्होंने बैठे है, अकाली दल जो मर्जी कही जाए, हम 8 दिन का शो इन्हों का अकालिया का जी है, हफ्ते का शो अकाली दल का ही है।